अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। BANM रायगढ़ प्रॉपर्टी एक्सपो की लॉन्चिंग 24 से 27 जनवरी को खांडेश्वर में लगेगी। संपत्तियों की प्रदर्शनी, घर खरीदारों को एक ही छत के नीचे सैकड़ों संपत्तियां उपलब्ध कराने नवी मुंबई बिल्डर एसोसिएशन यानी BANM की रायगढ़ यूनिट ने 24 से 27 जनवरी तक खांडेश्वर रेलवे स्टेशन के पास मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो आयोजित किया गया है। इसमें 100 से अधिक बिल्डर 10 लाख से 1 करोड़ कीमत की संपत्तियों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिन चलने वाले इस एक्सपो के प्रचार कार्यक्रम की लॉन्चिंग करते हुए BANM के वरिष्ठ पदाधिकारी बसंत वद्रा ने बताया कि यह एक्सपो आम जनों के लिए आयोजित किया गया है जो छोटे बजट में अपने आशियाने की तलाश में हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि एक्सपो लोगों की बजट होम की जरूरतों को पूरा करने में सफल होगा। BANM रायगढ़ का जो एक्सपो है वो 24 जनवरी से 27 जनवरी तक 4 दिन का एक्सपो है। जगह है वो खांडेश्वर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट में फिक्स किया है, जिससे मतलब ट्रेन से जाने वाले आदमी को दिखे कि उधर कुछ तो है, वहाँ से कोई जाने वाला आदमी है तो ज़रूर उतर के एक टाइम वो वहाँ पे विजिट लेगा। हमारा ये एक्सपो का लॉन्चिंग आज रखा है, लेकिन उससे पहले ऑलरेडी 90% हम लोगों ने हमारे स्टॉल मतलब हमारा स्टॉल बुक हो गया है। काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। सोच ही रहे थे कि साल में हम लोग 2 एग्जीबिशन करें, जिसमें यहाँ एक वाशी में होएगा और दूसरा लो इनकम मतलब लो मतलब छोटा प्रॉपर्टी के लिए हम लोग के पास में 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का घर वहाँ पे रहेगा। हर आने वाले आदमी के लिए उनका मतलब एक ही छत के नीचे जो उनका विश होएगा वो विश वहाँ पे मतलब 100% पूरा होगा। बड़े बड़े नाम भी हमारे साथ में अधिराज है, कामधेनु है, मतलब वैसे टुडे वाले हैं, मतलब वो बड़े जो हमारे साथ में जो नाम है उन लोग भी सब लोग ने बालाजी है पार्टिसिपेशन ऑलरेडी किया है। वहीं BANM के सीनियर ट्रस्टी भूपेंद्र शाह और पूर्व अध्यक्ष हरेश छेड़ा ने कहा कि पूरे देश में रियल एस्टेट में मंदी है, लेकिन नवी मुंबई में रियल एस्टेट का बाजार अच्छा है। यहाँ अफोर्डेबल घरों की मांग बरकरार है, इसलिए एक्सपो ऐसी संपत्तियों को शोकेस करने की तैयारी में है ताकि ग्राहकों को उसका लाभ मिल सके। पूरे रियल एस्टेट के अंदर आज पूरा मंदी का माहौल है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, लेकिन नवी मुंबई मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है, अच्छी तरह से जा रही है। लेकिन आज की तारीख के अंदर जो डिमांड है वो डिमांड है लोअर बजट के फ्लैट चाहिए। तो हमारा हर साल हमारा दिसंबर के अंदर जो एग्जीबिशन रहता है वो रहता है हमारा दिसंबर के अंदर जो अपन वाशी एग्जीबिशन सेंटर में रखते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो मार्केट की सिचुएशन और जो सप्लाई चाहिए, जिस हिसाब से बिल्डर लोग के पास जो सप्लाई चाहिए वो कम होने के कारण थोड़ा हमने पोस्टपोन किया है। तो बजट फ्लैट का जिस हिसाब से डिमांड है तो हिसाब से हमने सोचा एक टाइम हमारा ही पार्ट है, हमारे सिस्टर कंसर्न है रायगढ़ BANM रायगढ़, उनको बोला ये टाइम तुम एग्जीबिशन करो तो ताकि जो लो बजट वाले आते हैं वो कस्टमर रिटर्न नहीं जा रहे। उस हिसाब से हमने ये टाइम में कि खांडेश्वर रेलवे स्टेशन के पास ये एग्जीबिशन किया है। रायगढ़ जो हमारा सिस्टर एसोसिएशन है वो बहुत ही अच्छा ये टाइम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। देयर इज अ न्यू एंथुजियाज्म क्योंकि उनके एरिया में डेवलपमेंट ज़्यादा है, नैना और ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट है, जो आज नए पनवेल का एरिया जो है तो उनके उनके डेवलपर ज़्यादा वो एरिया के हैं और उधर अपॉर्चुनिटी बहुत है। आका जो रायगढ़ का टीम है वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है एंड आई विश देम वेरी वेरी बेस्ट। द पब्लिक बहुत ही टाइम उत्साह है, अफोर्डेबल हाउसिंग चलता है और दे आर स्पेशलिस्ट इन अफोर्डेबल हाउसिंग। सबसे बड़ी बात क्या है, हर साल हम लोग एग्जीबिशन करते हैं तो हमको एक एक महीने तक स्टॉल के लिए पूछना पड़ता है। इस बार 10 दिन में हमने 90% क्रॉस कर दिया और अभी हमारी प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम और भी बिल्डर सामने से कॉल कर रहे हैं और आगे स्टॉल की डिमांड कर रहे हैं जबकि हमारे पास बच्चे नहीं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और वैसे भी ऑल ओवर इंडिया आप देख रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ो आप, नवी मुंबई का मार्केट सबसे अच्छा है और जिस तरह से स्टॉल बुक हो रहे हैं और प्लॉट जा रहे हैं उससे लग रहा है कि नवी मुंबई का मार्केट अच्छा है और काफ़ी डिमांड भी है।
तो अगर आप भी अपने मनचाहे आशियाने की तलाश में हैं तो 24 से 27 जनवरी को खांडेश्वर रेलवे स्टेशन के पास लगने वाली मेगा प्रॉपर्टी प्रदर्शनी को देखना मत भूलिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।